वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 11, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये ए बी सी डी यानी पूरा का एरिया आपको ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है, ए सी जो दिया है, ये ए सी ये कितना है, 22 सेंटीमीटर है, और बी एम 3 सेंटीमीटर है ये वाला, ठीक है। बी एम ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और डी एन भी 3 सेंटीमीटर है ये वाला, और बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी जो बी एम है यानी ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये ए सी को का समलंब है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, परपेंडिकुलर है। और डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये डी एन लाइन है ये वाली, ये भी ए सी की परपेंडिकुलर है। तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज बनता है ए बी सी यानी ये वाला एरिया, ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका 1/2, इसकी लेंथ कितनी है, ये हमको दी हुई है 22, ये ब्रेथ नहीं, ये आएगा हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट ट्राइंगल में, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया। 2 से 22 काटा 11, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ट्राइंगल का एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्राइंगल ये ले लीजिए आप, कौन सा है, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी का एरिया कितना होगा, 1/2 ऑफ लेंथ एंड हाइट, तो 1/2 लेंथ कितनी है, 22, और हाइट कितनी है, वही 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, इसको काटा हमने 11 इंटू 33 बराबर 33 सेंटीमीटर। अब इनको आपने दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 33 प्लस 33 को ऐड कर दिया तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, करेक्ट। इसका आंसर यहां पर ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ है और ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपको एक्सरसाइज 11.4 के सभी प्रश्नों का हल दे दिया गया है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।